तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे तो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, अच्छे से पढ़ोगे सवाल तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो ये जो है वो केस फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये यहाँ से अपना पार्ट फर्स्ट है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है ये। इफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू 20 सेंटीमीटर टुआर्ड द मिरर, मतलब मिरर की साइड में पहले 40 पे था तो 20 सेंटीमीटर घुसका दिया मिरर की साइड, तो अब जो है इमेज कितना डिस्प्लेस हुआ होगा ये हमें निकालना है। देखो हम सबको पता है कि अगर ठीक है, सबसे पहले हम इसको रे डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से एक मिरर है बना देते हैं। सबसे पहले ये जो मिरर है वो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर से यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा होगा कहीं पे, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, 40 सेंटीमीटर ये वाली डिस्टेंस है केस फर्स्ट। इसकी जो कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होती है, -50 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन सिर्फ इतना सा बता रहा है कि जो यहाँ से रे के अपोजिट निगेटिव है, पोल है, पोल के अपोजिट इधर पोल के राइट साइड प्लस लेंगे और लेफ्ट साइड माइनस लेंगे, क्योंकि रे के अपोजिट माइनस लेते हैं और रे की डायरेक्शन में प्लस लेते हैं। बात समझ में आ गया? तो देख लेते हैं इमेज कहाँ बना है फर्स्ट केस में। तो इमेज कहाँ बना है उसके लिए मैं 1/b -1/u = 1/f अप्लाई कर देता हूँ केस फर्स्ट के लिए। केस फर्स्ट इसमें तो 1/b तो तुम्हें चाहिए 1/u माइनस यहाँ से 40 और सॉरी ये प्लस होता है तो ये -40 और फोकल लेंथ 1/-15 यहाँ से, ठीक है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से 1/b = 1/40 और -1/15, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो 15 और माइनस यहाँ से 40 और डिवाइड इसमें से डिवाइड कर दूँ 40 ने तो यह जाएगा -25 और डिवाइड कर दूँ यहाँ से 40/15 तो 5 से काट दोगे तो 5 टाइम्स कट जाएगा और 3 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से जो भी और 5 से ये 8 5 40 8 3 24 तो भी इज इक्वल टू आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। -24 का मतलब होता है कि इमेज इधर मिरर के सामने बना होगा और यहाँ पर कहीं बना होगा इमेज I1 जो कि यहाँ से 24 है, दिस इज़ द 24, ठीक है ना। ये इमेज 24 पे बना होगा यहाँ पे। तो अब माइनस साइन जस्ट फॉर डायरेक्शन इंडिकेट करा मैग्नीट्यूड में 24 यहाँ से पी से मैग्नी, समझ रहे ना। ऐसे अब मैं तुम्हें समझा दूँ, यहाँ से इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है। तो माइनस साइन जस्ट ये सिंबल है। दूसरा थोड़ा सा इसमें पार्ट टू करते हैं। अब केस पार्ट टू में क्या हुआ, इस इमेज को इस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर इस इमेज को मैं 20 सेंटीमीटर इसी में देखो मैं अगर आगे इधर डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो अगर मैं 20 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस कर दिया तो जो अब देखो पहले अब इसका दूसरा डायग्राम बना देता हूँ यार। देखो पहले अब जो इमेज तो पहले जो सिनेरियो था पहले 40 पे था यहाँ पे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट केस फर्स्ट का। अब यहाँ से 20 आ गया, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट टू। अगर ऑब्जेक्ट टू यहाँ आ गया तो अब यहाँ से जो रेड जाएगी दिस इज़ द तो अब जो यू आ जाएगा वो आ जाएगा 40 माइनस ये पूरा कितना था 40 था पहले, ठीक है ना, और ये 20 सेंटीमीटर तो तुम आगे शिफ्ट कर दिए तो अब जो जो यू आ जाएगा और आ जाएगा 40 - 20 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर इधर को डायरेक्शन में आ जाएगा तो इसका जो फोकल लेंथ है वो तो अभी भी -15 ही होगा। तो भी 1/b - 1/u = 1/f लगा दो, माइनस नहीं यार बार बार माइनस याद आ रहा, प्लस होता है लेंस के केस में माइनस होता है। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे 1/v - -1/ यहाँ से 20 और -1/15, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/v- की जो वैल्यू आ जाएगी 1/20 - 1/15, ठीक है। तो यह आ जाएगा 15 - 20 और डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है।
तो ये यहाँ से तुम जब सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से कट कट जाएगा, ये 5 -5 आ जाएगा ऑब्वियसली, और ये 20 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 15, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, दैट इज़ वी डैश की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। तो -60 सेंटीमीटर वी डैश आ गया, मतलब अब जो इमेज पहले यहाँ बन रहा था, पहले जो इमेज ये 24 जो इमेज पहले यहाँ था, I1 इमेज था, अब वो यहाँ से 60 आगे, इधर 40 तो ये था, तो इधर इमेज I2 आ गया 60, यहाँ पर आ गया इमेज, ठीक है। और पहले इमेज यहाँ पर था, अब इमेज यहाँ पे आ गया, तो इमेज कितना शिफ्ट हुआ, दिस हमें ये जो सेपरेशन निकालना, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस सेपरेशन, इमेज सेपरेशन, ये वाली सेपरेशन निकालनी है। तो ये सेपरेशन निकालने के लिए तुम देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है, और पहले तुम निकाल ही लिए थे ये इसका सेपरेशन, ये तुम पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे कितना था, 24 था। तो तुम्हें लेंथ चाहिए तो निगेटिव साइन भूल जाओ, तो इमेज जो डेल्टा भी शिफ्ट होगा वो 60 -24 होगा, ठीक है। 60 -24 मतलब 36 यहाँ से सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ होगा इधर की डायरेक्शन में, इधर को, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिरर। जब ऑब्वियसली जब कॉमन सेंस की बात है तो 36 सेंटीमीटर मतलब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, अवे फ्रॉम द मिरर बी ऑप्शन सही है।